पढ़ो क्वेश्चन नंबर सेवन को पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रूफ डेट, प्रूफ करना है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मेरे को बोलना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ जब उसका हमारा डायगोनल है बाइसेक्ट ईच अदर। इफ एंड ओनली इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वो मेरा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा बात? क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस नंबर 7। अच्छा तुम लोग 6 नंबर तक ही क्वेश्चंस बनाया कि आगे भी खुद ट्राई किया कुछ? यस नाइन्थ 12th हो गया। कहाँ तक हो गया क्वेश्चन तुम लोगों से? सर 9th वाला 12th वाला हुआ है। 9 नंबर 12 नंबर हो गया, वेरी गुड। क्या 7 नंबर क्वेश्चंस हुआ क्या? नहीं सर, किसी बच्चे से नहीं हुआ क्या? पढ़ो बेटा। रिप्लाई देगा बेटा। किसी बच्चे से नहीं हुआ। देखो मेरे को बोल रहा है क्या कि पैरेललोग्राम है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है। मेरे को बोल रहा है क्या? क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल जो है उसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक ना? तो हमारा वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो ले लो ना तुम एक ये क्वाड्रिलेटरल ले लो, और इसका नामकरण कर दो ए बी सी डी। और बोल रहा है कि इसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा इच अदर। डायगोनल ही होगा ना ए सी और बी डी, क्या बेटा? डायगोनल तो यही ना होगा, ए सी और बी डी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा इच अदर। तो जो ये हमारा होगा दोनों इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पर, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट है, ठीक ना? तो ये हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोलने का मतलब क्या है? ये साइड सेम, ये साइड सेम। बोलो इसमें किसी को डाउट है? रिप्लाई दो। क्वेश्चंस में यही बोल रहा है, क्वेश्चंस में मेरे को यही बोल रहा है। देख लो क्वेश्चंस को पढ़ लो। बोल रहा है प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, उसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा ईच अदर। मेरे को यही बोल रहा है क्वेश्चंस में। अब देखो ये हम लेट कर लिए कि ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। अब ये इसका डायगोनल हमारा बाइसेक्ट किया इच अदर, तो एक मिड पॉइंट पर हमारा बाइसेक्ट कर जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ये वाला, दोनों हमारा डायगोनल किया तो बाइसेक्ट। तो हमको प्रूफ करना है कि इसका डायगोनल बाइसेक्ट कर देगा इच अदर, तो ये जो है ये मेरा कैसा हो जाएगा? ये क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। आ रहा बात समझ में? हाँ। अब देखो बेटा हम लोग यहाँ पर देखो ए बी होगा तो ये ए बी, ये साइड ए बी और ये डी सी, दोनों का दोनों सेम होगा। और ये साइड ए डी, ठीक ना? और ये साइड, ये दोनों का दोनों हमारा सेम होगा, ठीक है? तो अब यहां से बेटा काम करो, लेट करना इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लेट लेट ए वेक्टर्स कॉमा बी वेक्टर्स कॉमा सी वेक्टर्स कॉमा डी वेक्टर बी द पोजिशन वेक्टर, बी द पोजिशन वेक्टर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट of points A, B, C and D respectively. Respectively, A, B, C and D हमारा point है, A vector, B vector, C vector, D vector का respectively, ठीक है? M जो है
M is midpoint of the diagonal AD, AB and DC. उसके बाद लिखेंगे let let N be the midpoints midpoints of diagonal AC and BD AC and BD ठीक है तो यहां से M vector be the positions vector be the positions vectors be the positions vectors of points n n अब बेटा यहां से देखो ये a vectors ये b vectors ये c vectors ये d vectors अब m जो है ये हमारा position vectors है m m हमारा mid point है और m हमारा क्या है m vector be the position vector of points n ठीक है अब हम देखें कि अगर हमारा डायगोनल जो है बाइसेक्ट किया इच अदर डायगोनल अगर हमारा बाइसेक्ट कर रहा है इच अदर तो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा ये ना होगा बोलो बेटा हां सर यस यस ठीक है तो आप देखो सबसे पहले बात तो हम तो लेट कर लिए हैं कि AC और BD का जो मिड पॉइंट है वो M है क्या लेट किए हैं वो M है AC और BD का मिड पॉइंट हम क्या लेट किए हैं बेटा M तो अब बाय मिड पॉइंट फार्मूला देखो अब ये हमारा A वेक्टर से ये B वेक्टर से ये C वेक्टर से ये D वेक्टर से तो M वेक्टर्स तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला से इसको नोट करो तो पहले यहां बाय मिड पॉइंट फार्मूला बाय मिड पॉइंट्स फार्मूला हम बोल सकते हैं m वेक्टर्स इक्वल टू क्या बोल सकते हैं एक बार a वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 2 एक बार बोल सकते हैं क्या a वेक्टर्स प्लस c वेक्टर्स बाय 2 क्या बोल सकते हैं और एक बार हम ऐसे भी बोल सकते हैं n वेक्टर्स इक्वल टू एक बार b वेक्टर प्लस b वेक्टर्स मतलब b वेक्टर्स प्लस b वेक्टर्स बाय 2 क्या लिख सकते हैं बताओ हां सर हाँ मिड पॉइंट हाँ तो नोट करो बेटा इसको पहले जल्दी से नॉट होने के बाद रिप्लाई दे देगा हो गया सर हो गया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ हो गया सर हो गया क्या सभी का हाँ सर हाँ सर यहाँ तक देख लीजिए अब देखिएगा बेटा ये पोजीशन वेक्टर जो मिड पॉइंट है बाय डायगोनल का ये तो हमारा इक्वल हो गया यहाँ इसको वन दे दो इसको टू दे दो ठीक है और यहाँ लिखना फ्रॉम वन एंड टू इस बार है अब लिख देना फ्रॉम वन एंड टू वी गेट द पोजीशंस वेक्टर्स द पोजीशंस वेक्टर्स ऑफ मिड पॉइंट The position vector of
मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट, कौन सा मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा? डायगनल हमारा एसी और ये बीडी का, एसी एंड बीडी द पोजिशन फैक्टर ऑफ मिड पॉइंट एसी एंड बीडी आर इक्वल्स। एसी और बीडी का जो पोजिशन फैक्टर है एम फैक्टर, ये हमारा क्या होगा? इक्वल होगा दोनों फ्रॉम वन एंड टू से। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर्स बाय टू इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर्स प्लस डी वेक्टर्स बाय टू, बोलो लिख सकते हैं क्या बेटा? लिख सकते कि नहीं? लिख सकते हैं। अब बेटा लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि ये टू दोनों का सेम है तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बचा, यहाँ बचा बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब बेटा तुम क्या करो कि यहां से इस बी को उठा के इधर लेके आ जाओ, इस बी को उठा के इधर लेके आ जाओ और इस सी को उठा के इधर लेके चल जाओ। तो बी हमारा इधर आया था, क्या हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी को इधर के लेके, तो डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब मेरे को तुम बता देना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए बी वेक्टर होगा, बोलो होगा? हाँ हाँ, ये हो गया मेरा ए बी वेक्टर। डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डीसी वेक्टर होगा, डीसी वेक्टर। तो यहां से हम क्या देखे हैं, जब डायगनल हमारा बाइसेक्ट किया इच अदर, तो इस मिड पॉइंट पर डायगनल हमारा बाइसेक्ट कर रहा है इच अदर, तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हो जा रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है? मतलब लेंथ ए बी, तुम इसको ऐसे ही बोल सकता है कि मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड डीसी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, हुआ कि नहीं? अभी ना समझा? हाँ सर। ठीक है, हम देखें क्या कि क्वाड्रिलेटरल था, हम क्वाड्रिलेटरल ही मान के चले हैं, हम क्वाड्रिलेटरल लेके चले हैं, हम डायगनल मतलब पैरेलल और हम लिए हैं, क्वाड्रिलेटरल वहां लिखे भी थे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में, ठीक है, उसके डायगनल को बाइसेक्ट करवा दिए, तो हमको बाइसेक्ट करवा दिए तो जो पॉइंट मिलेगा तो वो तो मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट करेगा तो इस मिड पॉइंट से हम निकाले बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम देखे कि ये दोनों साइड तो हमारा आपस में पैरेलल हो गया, जैसे ये दोनों साइड पैरेलल होगा उसी तरह ये दोनों साइड भी हमारा पैरेलल होगा सिमिलरली, होगा कि नहीं होगा बेटा? तो उसी तरह हम बोल सकते हैं हाँ? Similarly, AD vectors, ये vector, DA vectors और CD vectors, DA vectors equal to CD vectors, जब ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या हो जाएगा? कहा होगा बेटा? पैरेललोग्राम। तो यही तो बोल रहा था, यही तो बोल रहा था मेरे को कि डायगनल अगर हमारा बाइसेक्ट कर गया तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल मिला पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो कर दिए पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या करें? हिंस प्रूफ, तो अब नीचे में लिख देंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगनल बाइसेक्ट इच अदर एट मिड पैरेललोग्राम, इसका ए बी वेक्टर पैरेलल डी सी वेक्टर्स, डी ए वेक्टर पैरेलल सी बी वेक्टर, हेंस प्रूफ। नहीं लिख सकता, लिख सकता है, इतना तो कमजोर नहीं होगा, इतना तो दिमाग है तेरे पास, लिख सकता होगा, लिख ले जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया लास्ट में हिंस करके लिख देना बेटा, बिना हिंस करके लिखे हुए छोड़ना मत,
लिख लो जल्दी से फास्ट, आगे चले। हाँ सर। क्वेश्चंस नंबर एट, क्वेश्चंस नंबर एट बोला है प्रूफ डेट, ये भी प्रूफ है। देखो प्रूफ डेट क्वेश्चंस को लेके परेशान होना बिल्कुल मत, ठीक है। प्रूफ डेट क्वेश्चन जब दो बार तीन बार तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुमको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कैसे किया जाता है, फिर सारे प्रूफ डेट क्वेश्चन तुमसे होने लगेंगे, ठीक है। जो सॉल्व वाले क्वेश्चन है वो तो ईजी होते ही है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक ना। प्रूफ डेट क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक ना। तो इसको लेके बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आराम आराम से, धीरे धीरे आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तीन तीन चार चार क्वेश्चन, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि प्रूफ डेट क्वेश्चन उनसे हो नहीं रहा है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं करना है, कुछ नहीं रखा हुआ है इस पर। दो बार तू इसको प्रैक्टिस कर लेगा ना तो तू भी कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चंस नंबर एट, एट नंबर क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो पहले, क्वेश्चंस नंबर एट बोल क्या रहा, पढ़ेगा बेटा एक बार। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा दो दो चीज बोल रहा है यार, ठीक। इसके बाद एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक। देख बेटा ट्रेपेजियम देखा है? हाँ सर। देखो बेटा तुम लोग सभी को ही, हाँ नहीं देखे हो तो अभी दिखा रहे हैं हम, देखो नहीं देखे हो तो अभी हम दिखा रहे हैं। ये हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। मेरे को बोला है ये हमारा ट्रेपेजियम है, मेरे को बोला है पैरेलल साइड जो है ना, पैरेलल साइड हमारे क्या बोला क्वेश्चंस में, बोला प्रूव दैट द मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, ठीक, ऑफ द ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो क्या बोल रहा है, ये ट्रेपेजियम है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों साइड हमारा पैरेलल है, ये साइड हमारा पैरेलल है, ठीक है। तो बोला है ट्रेपेजियम के जो मीडियन से, मतलब बोला जाए कि ये एडी का जो मिड पॉइंट है एम, और ये बीसी साइड का जो ये है एम, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेपेजियम मीडियन जो होगा हमारा, ठीक है। तो ये बोला है इसको माने ई, इसको माने एफ, ई और एफ जो है, ई जो है वो मिड पॉइंट है एडी पर, ए बी सी डी ई, हाँ ई जो है वो मिड पॉइंट है एडी पर, और एफ जो है वो मिड पॉइंट है बीसी पर। तो मेरे को बोला है जो ये ई एफ है ना, देखो इसमें दो क्वेश्चन, दो चीज बोल रहा है। मेरे को बोल रहा है सबसे पहले कि प्रूफ कीजिए कि ये जो ई एफ है ये मेरा पैरेलल होगा ये ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड का। पैरेलल साइड बोलने का मतलब ए बी का या तुम बोल दो डी सी का। मेरे को प्रूफ करना क्या है कि ये ई एफ जो है मीडियन, मीडियन तो ये ना होगा ट्रेपेजियम का, ये जो ई एफ है ये हमारे इस ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड के पैरेलल होगा। पैरेलल साइड कौन सा है, ए बी और डी सी, मतलब ये दोनों हमारा पैरेलल साइड है, मतलब ये जो मीडियन है ई एफ ये हमारे इस दोनों में से पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, मतलब ए बी के पैरेलल होगा नहीं तो डी सी के पैरेलल होगा, ठीक। आया बात समझ में, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है प्रूफ करने, हाँ पहले समझ लो क्वेश्चन, समझ लो हाँ क्वेश्चन पहले, जब तक क्वेश्चन तुम समझोगे नहीं तो फिर बनाएंगे तो तेरे को समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोला, देखो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को एक बार नहीं होता है तो दो बार पढ़ो, दो बार में नहीं समझ में आ रहा है एक बार और पढ़ो,
ठीक है, क्वेश्चंस को समझो, बोल क्या रहा है, लाइन बाय लाइन को पढ़ो, दो बार तीन बार पढ़ो। जब हम भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है उसको समझते हैं, फिर आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तुम्हारा भी यही होना चाहिए कि क्वेश्चंस को सबसे पहले दो बार पढ़ना है, अगर एक बार भी नहीं समझ आ रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बोल रहा है, पहला पॉइंट तो बोला मेरे को प्रूफ करो, और सेकंड पॉइंट बोल रहा है मेरे को फाइंड नहीं बोल रहा है ना, प्रूफ, ये भी प्रूफ ही करना है। Prove that the median of the trapezium is parallel to the parallel side of the trapezium and its length is half the sum of parallel sides. दोनों चीज प्रूफ ही करना है। और सेकंड पॉइंट मेरे को बोल रहा है कि यो EF होगा ना, ये EF, ये half of sum of parallel side होगा। Sum of parallel side बोलने का मतलब क्या हो गया, AB plus DC, AB vector plus DC vector, समझा? समझे मेरी बात को? मेरे को इस क्वेश्चन से करना है कि ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का जो मीडियन है वो मीडियन मेरा पैरेलल साइड के पैरेलल होगा, पहला पॉइंट हमको बोल रहा था। और दूसरा पॉइंट बोल रहा था कि ये जो मीडियन होगा ईएफ फैक्टर, ये मेरा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हाफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सा है, AB और DC, मतलब AB वेक्टर प्लस DC वेक्टर। उम्मीद करते हैं कि समझ गया होगा। समझा सर। हाँ सर। अब हाँ, इस फिगर को बनाएगा, ये चीज ये तुमको समझाने के लिए लिखे हैं। अब हम काम करते हैं, कैसे काम करेंगे तुम लोग देखेगा समझेगा। चलो ये फिगर बनाएगा पहले, इस फिगर बनाने के साइड में यहाँ पर लिखेगा इन ट्रेपेजियम, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी लिखेगा, लिखा रहे हैं हम, लिखने वाला काम कर, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। आवाज आ रहा होगा ना सभी को अच्छे से? हाँ सर। ठीक 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 है, लिखो इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, उसके नीचे लिखना लेट लेट ए वेक्टर्स, लेट ए वेक्टर्स कॉमा बी वेक्टर्स कॉमा सी वेक्टर्स कॉमा डी वेक्टर्स बी द पोजिशन वेक्टर्स, बी द पोजिशन वेक्टर्स, बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स, ऑफ अ पॉइंट्स ए बी सी डी, ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली हो गया? हाँ सर। हाँ, उसके बाद लिखेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन लिखेगा ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई एंड एफ, उसके नीचे लिखेगा लेट, इस तरह करें कैपिटल ई एंड एफ, कैपिटल ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड बी सी, कौन से साइड का हमारा मिड पॉइंट है, ए डी एंड बी सी, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड बी सी, ए डी और बी सी साइड का जो मिड पॉइंट है उसको हम ई और एफ ले लिए, ठीक है। उसके जस्ट नीचे फिर नेक्स्ट लाइन लेट, फिर से लेट, देखो लिखने वाला काम बहुत करना पड़ता है, ई वेक्टर्स, स्मॉल ई वेक्टर्स एंड एफ वेक्टर, स्मॉल एफ वेक्टर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट्स, ई वेक्टर्स एंड एफ वेक्टर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट्स ई एंड एफ, ई एंड एफ, ई एंड एफ, लिख दिया बेटा?
अब देखो हम जो चीज बोले हैं उसी चीज को यहाँ मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज अभी हम तेरे को लिखा है उसी चीज को हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। हम बोले ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर, ई का पोजीशन वेक्टर ई वेक्टर, एफ का पोजीशन वेक्टर एफ वेक्टर, ठीक है। ये सब लिखे हैं। उसके बाद हम बोले ई एफ हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, ई वेक्टर एफ वेक्टर हमारा। अब उसके बाद हम यहाँ लिखने का काम स्टार्ट कर रहे हैं, देख देख के तुम लोग लिखिएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं बाई मिड पॉइंट फार्मूला, बाई मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला से ई वेक्टर्स, बेटा ई वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं ए वेक्टर्स प्लस डी वेक्टर्स, ए वेक्टर्स प्लस डी वेक्टर्स बाय टू, ठीक है। और एफ वेक्टर्स, एफ वेक्टर्स को बोल सकते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर्स, बी वेक्टर्स प्लस सी वेक्टर्स बाय टू, क्या बोल सकते हैं ना, ठीक है। नोट करेगा पहले बेटा, हाँ नोट करो। अब इसके नीचे लिखेंगे, अच्छा बेटा इन ट्रेपेजियम ए बी और डी सी, ये दोनों तो हमारा पैरेलल साइड है, ए बी साइड और डी सी साइड हमारा पैरेलल साइड है, बोलो है कि नहीं है, है? हाँ। और तेरे को हम सिखाए हैं, अब हम तुम लोग मेरे को बताओ, हम बोलेंगे कि ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स हमारा पैरेलल है, दोनों का दोनों हमारा पैरेलल है, अगर पैरेलल होगा तो एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, समझा कर कॉन्सेप्ट, समझा कर कहां से कहां ला रहे हैं, एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल बोल सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में पैरेलल है तो ए वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से ए बी और डी सी हमारा पैरेलल है, ठीक है, तो लिखना इन ट्रेपेजियम, लिखने का काम कर, इन ट्रेपेजियम, इन ट्रेपेजियम, इन ट्रेपेजियम ए बी वेक्टर्स, ए बी वेक्टर्स एंड डी सी वेक्टर्स, ए बी वेक्टर्स एंड डी सी वेक्टर्स आर पैरेलल, आर पैरेलल, आर पैरेलल इन ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम में ए बी वेक्टर्स और डी सी वेक्टर्स हमारा क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो जब हमको मालूम है कि ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, होगा मेरे को मालूम है ए सी वेक्टर पैरेलल डी सी वेक्टर है, मतलब मेरे को मालूम है ए बी वेक्टर्स, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू, पैरेलल टू डी सी वेक्टर्स, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए बी स्केलर मल्टीपल, टी हमारा स्केलर हो गया डी सी, क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते कि नहीं, बोल सकते, बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, लिखो बेटा, लिखो लिखो, लिखो इसको, नोट करो, नोट होने के बाद फिर रिप्लाई देना मेरे को, टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है, जल्दी से नोट करेगा, हो गया, सर हो गया, ठीक है बेटा, आ जाओ बेटा यहाँ पर। अब मेरे को तो प्रूफ क्या करना है, एन और डब्ल्यू, नाउ मेरे को प्रूफ क्या करना है कि ये जो ई एफ है ये हमारा पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ए बी या डी सी, दोनों में से किसी के भी पैरेलल हो जाए, ठीक है, मेरे को तो ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेते हैं ई एफ वेक्टर निकालते हैं, नाउ ई एफ वेक्टर्स, ई एफ वेक्टर्स क्या होगा, एफ वेक्टर्स माइनस ई वेक्टर्स, एफ वेक्टर्स अभी जस्ट निकाले हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर्स अब बाई टू, माइनस ई वेक्टर्स, ई वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर्स प्लस डी वेक्टर्स बाई टू, क्या बेटा होगा कि नहीं होगा, बोलो
हाँ सर कौन है बेटा? अब यहाँ काम कर दो तुम। काम क्या करेगा देखो, काम तुम ऐसे करो, दोनों का एलसीएम लेंगे 2, दोनों का एलसीएम लेंगे 2। नॉमिनेटर में यहाँ बचेगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए और माइनस डी। बोल होगा, बोल होगा कि नहीं? यहाँ से अरेंज कर, अरेंज क्या करते हैं हमको, ये जो है इसके पैरेलल करना होगा। तो ए बी वेक्टर क्या होगा बेटा? ए बी वेक्टर मन में कंसिडर कर, तो ए बी वेक्टर क्या होगा बता दो कोई बच्चा मेरे को। देखिए कौन बहादुर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो तेरे को सोचना है हमको तो पैरेलल करना है इसके, नहीं तो इसके, ठीक है। और डीसी बोलेंगे तो सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, तो यहाँ पर तुम थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना, इस ए को बी के साथ लिख दो, देखो प्लस माइनस है तो किसी को पहले किसी को बाद में हम लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक ब्रैकेट में, और फिर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर एक ब्रैकेट में और डिनोमिनेटर में 2। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हमारा ए बी वेक्टर हो गया, और सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर हमारा डी सी वेक्टर हो गया बेटा, और डिनोमिनेटर में 2। बोलो समझ में आया? बोल समझा? हाँ सर। तो यहां से बेटा हम क्या देखें कि ई एफ वेक्टर्स जो है वो हाफ ए बी वेक्टर्स प्लस डी सी वेक्टर्स हुआ। देखो एक पॉइंट तो हमारा प्रूफ हो गया, ये ई एफ जो है ये इस दोनों का हाफ और इस दोनों साइड का सम है। बोल रहा था प्रूफ करने हैं? हाँ। नहीं समझा? समझा ना, कर दिए पहला पॉइंट प्रूफ। पहला पॉइंट मेरा प्रूफ हो गया कि हाफ ए बी प्लस डी सी वेक्टर्स, एक तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा पॉइंट मेरे को प्रूफ करना है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था कि ये ई एफ जो होगा इस दोनों में से किसी के पैरेलल होना चाहिए, किसी के पैरेलल होना चाहिए। दो हमको बोल रहा था, एक तो हमारा हाफ दोनों साइड के सम और एक हमारा बोला था पैरेलल। तो पहले यहां तक नोट कर, इसको मान लेना वन, इसको मान लेना वन, नोट करेगा बेटा। नोट करो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जल्दी से फास्ट। हो गया सर? हो गया, टाइम बहुत कम बचा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर हम बता भी नहीं पाए। हो गया क्या? हो गया सर। हो गया ठीक है। अब लिखेगा एन और डब्ल्यू, देखो एक पॉइंट प्रूफ हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पॉइंट प्रूफ हुआ। अब फर्स्ट नंबर आप प्रूफ करते हैं, अब लेंगे फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। तो फ्रॉम वन हमारा क्या है, ई एफ वेक्टर्स इक्वल टू हमारा क्या है, हाफ, हाफ बोलेगा। इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी वेक्टर्स प्लस डी सी वेक्टर्स अब बाय 2 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब बेटा तुम यहां से ध्यान से देखो, क्या ए बी वेक्टर्स, ये ए बी वेक्टर्स हमारा डी सी वेक्टर का पैरेलल था, तो हम वहां पर क्या लिखे थे, ए बी वेक्टर्स इक्वल टू क्या लिखे थे, ए बी वेक्टर्स इक्वल टू क्या लिखे थे, टी इंटू डी सी वेक्टर्स लिखे थे, लिखे थे ना। तो हम ये ई एफ का ई एफ वेक्टर्स, और इस ए बी के जगह में हम लिख देंगे टी इंटू डी सी वेक्टर्स, और फिर प्लस डी सी वेक्टर्स और डिनोमिनेटर में 2। दोनों में डी सी कॉमन है, डी सी को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा क्या, टी प्लस 1, और यहाँ हो गया क्या, डी सी वेक्टर्स और बाई क्या है 2। ये वाला तो स्केलर हुआ कि नहीं हुआ, देख ध्यान से हुआ नहीं हुआ बेटा, t प्लस 1/2 स्केलर ही देगा ना। हाँ सर, हाँ सर, हमको ऐसा लग रहा है ना कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहा सर, समझ समझ रहा है ना? हाँ तो
समझ रहा है ना? ठीक 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 है। तो यहाँ से ई एफ वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ डीसी वेक्टर हुआ, मतलब हम लिख सकते हैं ई एफ वेक्टर्स इज स्केलर मल्टीपल ऑफ डीसी वेक्टर्स। जब ई एफ वेक्टर स्केलर मल्टीपल डीसी वेक्टर होगा तो यहां से हम बोल सकते हैं सो ई एफ वेक्टर्स पैरेलल टू डीसी वेक्टर्स, बोल सकते हैं है? हाँ तो सिमिलरली तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ई एफ वेक्टर्स पैरेलल टू डीसी नहीं बोल के एबी भी बोल सकते हैं, क्योंकि डीसी और एबी दोनों पैरेलल है। तो यहां से लिख सकते हैं हिंस प्रूफ, हिंस करके हम लिख सकते हैं इसी चीज, यही तो मेरे को प्रूफ करने बोलना था। तो हिंस करके पहला रिजल्ट लिख देंगे क्या, ई एफ वेक्टर इक्वल टू हाफ ए बी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर, और सेकंड रिजल्ट लिख देंगे क्या ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड डीसी, हिंस प्रूफ। आया समझ में? सर हाँ। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर, कितना था क्वेश्चन नंबर 8 था ना? हाँ सर। तो हाँ वेरी गुड, तुम लोग घर में बैठो, आगे होमवर्क है। कितना नंबर तक क्वेश्चन से बैठा इस एक्सरसाइज में बताओ तो? 12 तक है क्या? अच्छा 12 या 12, हाँ बात बराबर है। 12 बोलो, 12 बोलो, मराठी में भी कुछ बोल दो उसको, 12 ही बोलते ना मराठी में भी, वही बोलते हम लोग उसको, ठीक है बेटा वही 12, ठीक ना? तो 12 तक तुम लोग